करवा करवा आपकी व्यवस्था हो जाए, चिंता न करो, व्यवस्था हो जाए, जो शासन से बने हैं जो विधायक जी से बने हैं आपके मदद हो जाए, जो होगा तो होगा, तसल्ली रखो। फसलों में आग लगने को सिलसिला लगातार जारी है। पहला मामला जबेड़ा तहसील को है, जहां के गांव दोगानी भिनैनी में दोपहर में खेतों में अचानक भीषण आग लग गई। जब भीषण आग ने दोगानी गांव से पहाड़ी तक करीब 1.5 किलोमीटर में पकी तैयार गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लो। जो अग्निकांड की घटना में 3 दर्जन किसानों की करीब 50 एकड़ में पकी तैयार गेहूं की फसल जल के राख हो गई। सूचना के बाद कटकी से भी फायर ब्रिगेड पहुंची, मानो जाके पहले आग से तबाही मच चुकी थी। घंटों की मेहनत के बाद आग पे जैसे तैसे करके काबू पाओगे। आग से छोटे बड़े आदिवासी किसानों की फसलें जल के राख हो गई, जहां आग से अफरा तफरी मच गई। उतई किसानों की मेहनत की फसल तबाह होवे की वजह से इतने उनको रो रो के बुरो हाल है। उतई दमोह उपचुनाव में अधिकारियों के व्यस्त होवे से तत्काल मौका पे अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं। जघटना के दूसरे दिन तहसीलदार, विधायक और सांसद अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांव में पहुंचे, जहां पीड़ित किसानों को ढांढस बंधाओ। उतई शासन से उचित मुआवजा राशि दिलावे को सभी आश्वासन दिलाओ। उतई मंगलवार को पथरिया तहसील क्षेत्र के गांव झागरी और खिरिया शंकर में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में आग लग गई। जब तक आग पे काबू पाओ जा तो तब तक 150 एकड़ की फसल जल के राख हो गई। जघटना में किसानों के लाखों रुपया की क्षति भई है और सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड मौका पर नहीं पहुंची, जिसकी नाराजगी किसानों में देखी गई है। जिस संबंध में बुधवार को बड़ी संख्या में किसान पथरिया तहसील पहुंचे, जहां किसानों के साथ पथरिया विधानसभा के पूर्व विधायक लखन पटेल और जिला पंचायत सदस्य राव ब्रजेंद्र सिंह के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम से तहसीलदार आलोक जैन को ज्ञापन दौगो। एक के बाद पथरिया तहसील सहित अन्य संबंधित विभाग की टीम ने मौका पर पहुँच कर जायजा लाओ और उचित मुआवजा दए जावे की बात कही। उतई जब पूरे मामले में पथरिया के पूर्व विधायक लखन पटेल को कहवो है कि जय एक ऐसी घटना है जिसे भुलाओ नहीं जा सकत है। गांव झागरी और खिरिया शंकर में जितने भी किसानों को नुकसान भाव है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दौ जाना चाहिए। हृदय विदारक घटना हुई। किसान का जीवन और किसान की पूरी साल की मेहनत जब आने को थी, तो समय प्रकृति का ऐसा प्रकोप आया कि लगभग 150 एकड़ गेहूँ की फसल जलकर राख हो गई। ये घटना ऐसी है जिसको बहुत जल्दी नहीं भुलाया जा सकता। इस गांव के, झागरी गांव के, खिरिया शंकर गांव के जितने भी किसानों का नुकसान हुआ है, शासन से मैं आपके माध्यम से भी और ज्ञापन के माध्यम से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक राशि दें, क्योंकि ये पूरा गेहूँ का क्षेत्र है और गेहूँ के अलावा कुछ होता नहीं है और वो सारी की सारी फसल जल के राख हो गई। इनकी साल कैसे निकल गई, कैसे इनका काम चलेगा, साथ ही इनको इस साल पूरे समय गेहूं मुफ्त दिलाया जाए शासन की तरफ से, जो गेहूं का माप वो है, उस सारे लोगों को साल भर का गेहूं सरकार मुफ्त दे। माननीय शिवराज सिंह जी अति संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, ये बात उन तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से वो आदेश करेंगे सारे के सारे किसानों को साल भर मुफ्त गेहूं दिया जाएगा, क्योंकि खाने की व्यवस्था भी नहीं है उनके पास। दुखद है, और ग्राम झागरी में लगभग 150 एकड़ भूमि में गेहूं की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, जैसा कि पिछली खरीफ की फसल भी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी और अब रबी की फसल भी किसानों की पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, जिससे किसानों के लिए खाने के लाले पड़ गए हैं। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों को उचित निर्देश देकर शीघ्र सर्वे कराएं और किसानों को कम से कम 25,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा प्रदान कराएं। उतई जिला पंचायत के सदस्य राव ब्रजेंद्र सिंह को कहबो है कि जय एक बेहद दुखद घटना है, 150 एकड़ में खड़ी फसल नष्ट हो गई। क्षेत्र में पिछली खरीफ की फसल भी नष्ट हो गई थी और अब रबी की फसल भी नष्ट हो गई, जिससे किसानों को खावे के लाले पड़ गए हैं। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को यूट्यूब पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली पोछार की।